तो बस सब कैसे फिर से बता चुके हैं वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे फ्री फायर प्रो लीग विंटर्स की डे नंबर टू के बारे में। कल डे नंबर वन खत्म हुआ एंड क्या ही शानदार परफॉर्मेंसेस एंड रोमांच से भरा दिन हमें देखने को मिला, जहां पे रैंक और टैंक लीड का परफॉर्मेंस थोड़ा डाउनफॉल गया एंड हमारे केमिनी स्पोर्ट्स एंड जीरो डिग्री एंड सूर्या बाई गेमिंग एंड असासिन आर्मी जो भी टीम एफएफसी मोड से क्वालिफाई करके गई थी सबने बहुत अच्छा खेला। तो हम कह सकते हैं कि राइज ऑफ अंडरडॉग्स या फिर राइज ऑफ अंडररेटेड प्लेयर्स या फिर हमारे उभरते हुए सितारे बहुत अच्छे खेल रहे थे अलॉन्ग विद केमिनी स्पोर्ट्स एंड एनजीएक्स एंड टीएसएम। ये सारे टीमों ने कल बहुत अच्छा खेला बट आज दिल थाम के बैठी कि आज उतरने वाली है ग्रुप नंबर सी, मतलब दो भाइयों के बीच की लड़ाई फिर से होने वाली है। देखो भाइयों के बीच की लड़ाई बहुत पुराने टाइम से चलते हुए आ रहा है, पांडवों और कौरवों के बीच में कुरुक्षेत्र में हमें ये युद्ध देखने को मिला था, बट कुछ ऐसा ही टाइप का युद्ध हमें फ्री फायर प्रो लीग के विंटर्स के मैदान में देखने को मिलेगा आज, विच इज गोइंग टू बी टोटल गेमिंग वर्सेस टीजी टाइकून्स। आप लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड हो ये फाइट देखने के लिए जरूर से कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, क्योंकि देखिए वर्ल्ड ईस्पोर्ट्स कप में जब ये फाइट हुआ था ना, मैं बोलूंगा टोटल गेमिंग के पास एक एज था। पहले तो टोटल गेमिंग ने उनको कालाहारी में खत्म किया, उसके बाद परगेटरी में टीजी टाइकून्स उनको खत्म किया, उसके बाद अगेन कालाहारी में टीजी टाइकून्स को वहां पे खत्म किया टोटल गेमिंग के द्वारा। उसके बाद ठीक है चलो, हालांकि टीजी टाइकून्स क्वालिफाई नहीं हो पाए फाइनल्स के लिए डब्ल्यूईसी के, बट डब्ल्यूईसी के ग्रैंड फाइनल्स के टोटल गेमिंग क्वालिफाई हो गए, बट आज फिर से रिवेंज का मौका आ चुका है। मतलब एक ही हफ्ते के अंदर अगर दो दो बार ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिल जाए तो इससे बेहतरीन मजा तो कुछ नहीं आता है। अभी अगर टैक्टिकली मैं सोचूं तो रोहित आपको टोटल गेम की टीम में खेलते हुए नहीं देंगे, तो मेरे हिसाब से आज फौजी अजय फिर से उतरने वाले विद माफिया बाला, माफिया एंड डिलीट, या फिर ड्रेगो भी आपको देखने को मिल सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है उनके थॉट प्रोसेस के ऊपर, बट टीजी टाइकून जैसा वो उनका गेम प्ले है घुसो मारो वैसा ही उनका सीन रहेगा। वैसे अगर हम टैक्टिकली बात कर ही रहे तो कल जो मैंने दो तीन चीजें नोटिस की मैं जरूर से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा एज अ कास्टर एज अ एनालिस्ट, जो कि है कि जो पहले हमें देखने को मिलता था 2021 में कि जब भी कोई बड़े टूर्नामेंट होते थे टीम्स क्या करते थे थोड़ा स्लो खेलते थे, थोड़ा लास्ट जोन में जाकर हमें बहुत ज्यादा फाइट देखने को मिलता, बट कल हमें बहुत ज्यादा ऑपोजिट देखने को मिला, हमें बहुत स्टार्टिंग से शुरुआती वक्त से ही बहुत ज्यादा इंप्रेसिव फाइट देखने को मिले, जहां पे एनजीएक्स की टीम बहुत अग्रेसिव जा रहे थे, ओरांगोटैंग एलीट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में डाला गया। अब ओरांगोटैंग एलीट का ये प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि ये सारे टीम असासिन आर्मी फिर सूर्या भाई गेमिंग इनको शायद पहले ये खेलते हुए नहीं देखे, इनको ये अनएक्सपेक्टेडनेस शायद सता रहा होगा, तो उन्होंने पहला दिन टाइम लिया रीड करने के लिए, रीड नहीं कर पाए थे इसीलिए वो प्रॉब्लम में फंसे, बट अभी तक टूर्नामेंट का सफर खत्म नहीं हुआ है। ओरांगोटैंग एलीट हमें पता है कि कमबैक मार सकती है, ये दो चीज मैंने जरूर से नोटिस किया एंड जीरो डिग्री जिस तरीके का इंटेंट के साथ वो उतरे थे ना, कि वो जो मैच में जहां से उन्होंने दो मैचों में भूया निकाला बहुत काबिले तारीफ होता है, क्योंकि देखिए पहले दिन में ही एक टीम के लिए जहां पे इतने बड़े बड़े टीम्स खेले जो जिनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है उन टीमों को हरा के अगर आप बूया निकाल रहे हो और हील बैटल में बूया निकाल रहे हो तो इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता है। दिखता है कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है, शायद आप रेगुलरली इस लॉबी में नहीं खेल रहे हो बट आप में वो क्षमता है वो इंटेंट है जिस वजह से आप यहां पे इस मुकाम पे पहुंचे हो एंड आप डिलीवर कर रहे हो एंड दैट्स इट। वही मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था, आई होप कि आप लोगों को ये शॉर्ट एनालिसिस बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि देखो मेरे पास अभी पीसी नहीं है, चेन्नई में लॉकडाउन है पूरा संडे का, आज संडे का दिन है, फुल लॉकडाउन है, मैं पीसी के लिए जा नहीं सकता हूं, जो लैपटॉप है यहां पे इंटरनेट में जुगाड़ू काम चला रहा हूं, तो माफ करना अगर मैं स्ट्रीम नहीं कर पा रहा हूं, मैं मंडे से फिर से रेगुलर स्ट्रीम करूंगा, सो डोंट वरी गाइस। बट ये वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हम लोग बहुत पास आ चुके हैं 4K सब्सक्राइबर्स के, आज के आज ही हमें 4K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना है, कल जब स्ट्रीम चालू करूंगा आप लोगों के साथ फिर से बहुत मजे करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए एंड मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस।